अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शाही गुलाबी कोरमा की रेसिपी, जो एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हम ले लेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 7-8 हरी मिर्च, 50 ग्राम खरबूजे का बीज, 30 ग्राम काजू, 30 ग्राम दाल मखाना, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून दखनी मिर्च जो सफ़ेद वाली गोल मिर्च होती है, आधा टीस्पून गरम मसाला, 6-7 ग्राम रोज पेटल जो गुलाब की सूखी हुई पत्तियां होती हैं। हम कुछ साबुत मसाले भी ले लेंगे। हम लेंगे 5 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 काली मिर्च, 5 लौंग, 1 जावित्री का टुकड़ा और 2 बे लीफ। साथ ही हम ले लेंगे 100 ग्राम दही। हमें किसी भी बर्तन में 1 कप पानी ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च और हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे बॉयल कर लेंगे। हम इसे तब तक बॉयल करेंगे ये जब तक सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हमने 1 किलो चिकन ले लिया है जिसे हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। कढ़ाही में हमने 250 ml तेल गरम कर लिया है। इसमें हम सारे चिकन के पीसेस को डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है। मुझे सरसों का तेल खाना पसंद है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड तेल या घी में बनाएं तो इसका बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा। हम इसे ऊपर नीचे अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे जिससे सारे चिकन के पीसेस बिल्कुल बराबर से फ्राई हों। हम इसे इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ऐसा कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक और पका लेंगे। जो हमने रोज़ पेटल लिया था और दही को एक मिक्सी जार में डालकर इसका एक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। पाँच मिनट के बाद खोलकर हम इसे 2-3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हमने जो साबुत मसाले लिए थे वो डाल देंगे। मसाले थोड़े से क्रैकर हो जाएं तो हमने जो प्याज हरी मिर्च और ड्राई फ्रूट्स बॉयल किया था उसका हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। जब ग्रेवी में उछाल आना शुरू हो जाए तो हम इसे ढककर 8-10 मिनट पकाएंगे। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। ये देखिए इस ग्रेवी का उछाल भी ख़त्म हो चुका है और तेल भी इससे अलग हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसे फिर से हम ढककर 5 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और देखने में बहुत ही मज़ेदार ये लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने रोज़ पेटल और दही मिलाकर पेस्ट तैयार किया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे डालकर हम 2-3 मिनट तक और भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। आप अगर इसे किसी भी वेजिटेबल ऑयल या घी में बनाएंगे तो इसका बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा। ग्रेवी हमारी भुन चुकी है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे दखनी मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम सौंफ का पाउडर भी डाल देंगे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई किया था वो भी डाल देंगे। चिकन डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला इसमें कम ही पड़ता है क्योंकि गरम मसाला से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसे हम ढककर 10 मिनट तक और पकाएंगे, इसे चिकन हमारा अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका तेल बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो इसके अंदर लास्ट में हम डाल देंगे 1/2 कटोरी क्रीम। आप क्रीम की जगह फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालकर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आप इसे अपनी फैमिली के बीच बनाएं, अपने मेहमानों के सामने बनाएं, खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।